दुनिया का सबसे दुर्लभ समुद्री जीव, धरती पर इनकी संख्या केवल 10। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा, इन्हें अब भी बचाया जा सकता है। दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक वैक्यूटा पोर्पोइस को विलुप्त होने वाले जीवों की लिस्ट में शामिल किया गया है। विश्व में इनकी संख्या केवल 10 रह गई है। यह पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनधारी जीव है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक नई स्टडी के मुताबिक इन्हें अब भी विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। वो कैसे, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वैक्यूटा एक समुद्री स्तनधारी जीव है जो विलुप्त होने की कगार पर है। ग्रे और सिल्वर कलर की ये जीव मेक्सिको देश के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई अधिकतम 5 फीट होती है और वजन 54 किलोग्राम तक होता है। शिकारियों के जाल में फंसने के कारण इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है वैक्यूटा की आबादी? वैक्यूटा 2 वजहों से विलुप्त होने के कगार पर है। पहला, शिकारियों के जाल में फंसना, और दूसरा, तोतुआबा मछली का खत्म होना। दरअसल वैक्यूटा के खाने का मेन सोर्स तोतुआबा मछली ही है। शिकारियों के जाल में फंसने के कारण इसकी आबादी भी खत्म होती जा रही है। यह भी दुर्लभ मछलियों की कैटेगरी में आ गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्यूटा की कम संख्या को देखते हुए उसे विलुप्त होने वाले जीवों की लिस्ट में शामिल करना एक गलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्चर जैकलिन रॉबिन्सन कहती हैं कि वैक्यूटा को विलुप्त होने से अब भी बचाया जा सकता है। अगर हम उनके रहने की जगह से जाल हटा दें तो ये उनके लिए एक जीवन दान बन सकता है। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक वैक्यूटा की प्रजाति अभी जेनेटिकली कमजोर नहीं हुई है। वैज्ञानिकों की माने तो अगले 50 सालों में ये अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। बस इंसानों को इन्हें सर्वाइव करने का एक मौका देना होगा। रॉबिन्सन कहती हैं कि इस प्रजाति को बचाना आसान नहीं होगा। इसकी वजह स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों के बीच होने वाला विवाद है। वैज्ञानिकों ने 1985 से 2017 के बीच पकड़े गए वैक्यूटा के डीएनए पर रिसर्च की है। इनका डीएनए आज के जिंदा जीवों से मेल खाता है। इसके बाद एक कंप्यूटर मॉडल की मदद से इस बात का अंदाजा लगाया कि बेहतर माहौल मिलने पर आखिर कितने सालों के बाद इनकी आबादी बढ़ सकती है। रिसर्चर्स के अनुसार इस जीव की प्रजाति काफ़ी समय से दुर्लभ है, जिस कारण इसके डीएनए में जेनेटिक बदलाव काफ़ी कम हो गए हैं। साथ ही मेक्सिको सरकार को भी डिप्लोमेटिक समस्याओं से जूझना होगा। बता दें कि देश में इसके पहले भी मछलियों के जाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थानीय मछुआरों ने इस फैसले का काफ़ी विरोध किया था। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार और रोमांचक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।